नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में हमें इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलने लगा है। आप जो हमारी सोयाबीन की फसल देख रहे हैं, ये आज 27 दिन की हो चुकी है। वहीं अगर हम सोयाबीन की वैरायटी की बात करें तो दोस्तों, ये RVSM 1135 सोयाबीन की वैरायटी है, जो कि हमने 25 जून को इसकी बुवाई की थी। और अब हमें इसमें रिंग कटर और सेमी लूपर जो पत्ते खाने वाली इल्लियां हैं, उनका हमें इसमें अटैक देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम इसमें अब इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का स्प्रे करने वाले हैं। और एक ही स्प्रे में हम तीन प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने वाले हैं, जिसमें आपको रिंग कटर भी नियंत्रित हो जाएगा, सेमी लूपर भी कंट्रोल हो जाएगी, जितने पत्ते खाने वाली इल्लियां हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगी, साथ में आपको सफेद मंकी का जो अटैक है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, उसका भी नियंत्रण ये एक ही कीटनाशक से हो जाएगा। तो वो कौन सी कीटनाशक है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन की फसल है, जो कि आज 27 दिन की हो चुकी है, और इसमें हमें रिंग कटर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पौधे को, इसमें जो रिंग कटर वाली जो मादा इल्ली है उसने दो कट लगा दिए हैं, और बीच में जो अपना अंडा है उसको यहाँ पर उसने इन दोनों कटों के बीच में छोड़ दिया है। अगर हम यहाँ से इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो जो अंडा है वो 4 से 5 दिनों में लार्वा में बदल जाएगा, और धीरे धीरे वो आपका जो तना है इसमें अंदर तक चला जाएगा, और लगभग 30 से 35 दिनों तक आपके पौधे को खाता रहेगा, जिससे कि लास्ट में आपका पूरा पौधा खत्म हो जाएगा। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको शुरुआती अवस्था में ही इसका कंट्रोल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये शुरुआती ही अवस्था है, पौधा अभी 1 या 2 दिन हुए हैं इसको और अभी सूखना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी अवस्था पर आपको अपनी जो फसल है उसमें रिंग कटर का नियंत्रण करना है, अपनी फसल का निरीक्षण करते रहना है, जिससे कि आपको अपनी फसल में रिंग कटर से ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों, हम अभी जो बायर कंपनी का सोलोमन है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, जो कि रिंग कटर, सफेद मक्खी और सेमिल ऊपर तंबाकू इल्ली, जितनी भी पत्ती खाने वाली इल्लियां हैं उनको आसानी से ये कंट्रोल कर लेता है। वहीं हम इसमें अगर कॉम्बिनेशन की बात करें कि कौन कौन से इसमें आपको टेक्निकल मिल जाएंगे, तो इसमें आपको बीटा सल्फ्यूरिन मिल जाएगा और उसी के साथ में आपको इमीडा क्लोरोपिड भी मिल जाएगा। दो टेक्निकल का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि रिंग कटर और पत्ती खाने वाली इल्लियों को अच्छी तरीके से ये नियंत्रित कर लेता है। तो ये हम स्प्रे इसमें करने वाले हैं तीनों ही कीटों के नियंत्रण के लिए। पिछले साल भी हमने इसका स्प्रे, पहला ही स्प्रे में सोलोमन हमने लिया था, जिसका हमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला था। तो उसी के हिसाब से हम इस वर्ष भी सोलोमन का ही प्रयोग अपनी फसल में पहले स्प्रे के रूप में कर रहे हैं। वहीं इसकी डोज की मात्रा की बात करें कि ये आपको कितना खर्च में पड़ जाएगा, तो दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि 1 लीटर ये कितनी एकड़ को कवर कर देगा, तो लगभग 6 से लेकर 7 एकड़ या 8 एकड़ को भी ये कवर कर सकता है। और पानी की मात्रा आपको अच्छे से लेना है, जिससे कि दवाई पूर्ण तरीके से काम करे। अब इसकी हम प्राइस की बात करें कि 1 लीटर का ये आपको मार्केट में कितने में अवेलेबल हो जाएगा, तो हर क्षेत्र में इसकी प्राइस अलग अलग हो सकती है। हमारे इधर ये हमको 2200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमने इसको परचेस किया है, तो आपके क्षेत्र में हो सकता है 2150 भी हो या फिर 2300 भी हो, तो वो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। बाकी इसका जो प्राइस है वो यही है, 2100 से लेकर आपको 2200 के बीच में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में भी रिंग कटर या पत्ते खाने वाली इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है, तो आप बायर के सोलोमन का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लेमडा साइलोथीन प्लस थायोमिथोक्साम का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जो कि सिजेंटा की अलिका में आता है, वो भी रिंग कटर और तना मक्खी और सेमी लूपर वगैरह को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और यदि आपके खेत में कम प्रकोप है, इल्लियों का कम अटैक देखने को मिल रहा है, तो फिर आप प्रोपोनोफोस का भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको सस्ती भी पड़ जाएगी और उसका भी रिंग कटर वगैरह पर अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। तो ये 2-3 दवाओं का आप स्प्रे कर सकते हैं, अगर रिंग कटर, सेमी लूपर वगैरह आपके खेत में देखने को मिल रही है। हम बायर की सोलोमन का स्प्रे कर रहे हैं और हमें इसका अच्छा रिजल्ट पिछले साल भी देखने को मिला है। सोयाबीन की कंडीशन आप देख सकते हैं, आज 27 दिन की सोयाबीन है, अच्छी तरीके से ग्रोथ
ये अभी कर रही है और पत्ते भी आप देख सकते हैं हमें कटे हुए इसके दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम ये दवाई डाल रहे हैं और इसी के साथ में आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपकू का भी इस्तेमाल करना है, जिससे कि अगर बारिश हो जाती है तो आपकी दवाई अच्छे से काम करती है और पत्तों पर फैलाने का काम भी आपको जो चिपकू रहता है वो करता है, जिससे कि दवाई अच्छी तरीके से पौधे में फैल जाती है और वो अपना कार्य करती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहें।